से कर लेते हैं और दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल ने एलजी से इस पूरे मामले को लेकर बात की है। तो जहांगीरपुरी हिंसा जो हुई है इसको लेकर यह बातचीत हुई है एलजी से, और एलजी से केजरीवाल ने फोन पर यह बात की है। जहांगीरपुरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, एलजी का स्टेटमेंट यह सामने आया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने बात कही है। तो दिल्ली में जो तस्वीरें आज सामने आई हैं इसके बाद से सुरक्षा को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस माहौल को बिगाड़ा है उसके बाद से लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा में जब आज हनुमान जयंती थी, जुलूस यहां से निकलना था, कैसे ये चूक हुई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल केंद्र पर यह ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एलजी से उनकी बातचीत हुई है इस पूरे मामले को लेकर और एलजी ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आज ये घटनाक्रम हुआ है दिल्ली के जहांगीरपुर में और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली से। सीएम केजरीवाल ने बकायदा इस पूरे मामले को लेकर, इस हिंसा को लेकर एलजी से बातचीत की है और जहांगीरपुरी हिंसा पर एलजी से ये पूरी बातचीत हुई है, जहां पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात उन्होंने कही है और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय उन्होंने करार दिया है। जो भी कुछ हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, जो भी अराजक तत्व हैं, जिन्होंने भी माहौल को खराब करने की कोशिश की है, उनको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। दरअसल आज हनुमान जयंती है, शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी, आगे आगे डीजे बज रहा था, पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बाद अचानक से पथराव होता है, कुछ समझ में नहीं आता और अफरा तफरी का माहौल वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान यह जमकर बवाल हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शोभा यात्रा में लोगों के ऊपर पत्थरबाजी हुई और आगजनी की घटना भी सामने आई है। आला अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति अंडर कंट्रोल में है। पुलिस ने कहा है कि अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक कुशल सिनेमा के पास ये शाम लगभग 5:30 बजे ये घटना हुई है और दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पर भारी फोर्स को तैनात कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये भी खबर है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच मामले की जांच करेगी। साजिश के एंगल से यह जांच की जाएगी। उपद्रवियों की तलाश में कई टीमों को लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहांगीरपुरी दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त और विशेष पुलिस आयुक्त से फोन पर इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चले और इसको लेकर सभी तरह के इंतजाम भी किए जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तीन तस्वीरें आपके सामने है। शोभा यात्रा में जब हंगामा हुआ, ये शुरुआत की तस्वीर आप देखिए, जब माहौल बिगड़ा, उसके बाद माहौल बिगड़ने के बाद जो गाड़ियां यहां से जा रही थी, जो आम लोग जा रहे थे, उन पर भी जमकर पथराव हुआ है और जब पुलिस वहां पर पहुंची बीच बचाव के लिए, माहौल को कंट्रोल करने के लिए, तो पुलिस पर भी जमकर पथराव हुआ है। हंगामे में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो ये आज तीन की तस्वीरें जो बता रही हैं कि दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर है जहां पर लोगों का इस हंगामे के बीच निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि आम लोग भी वहां पर थे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, औरत वहां पर नजर आ रही है और हंगामा इतनी बुरी तरीके से बरपा कि लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये हुआ तो क्या हुआ। तीसरी तस्वीर आप देखिए, इसमें भगदड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। चौथी तस्वीर आप देखिए, जो गाड़ियां यहां से गुजर रही थी उन पर ये पथराव किया गया। पांचवी तस्वीर, जब माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ा, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। और छठी तस्वीर, ये होते होते जब शाम का वक्त यहां पर हो गया, उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए, पुलिस पर भी जमकर पथराव हुआ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, आज दिन भर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में किस तरह से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, कौन ये लोग हैं, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। शोभा यात्रा में हंगामा कर रहा जो वो लोग कौन थे, क्या इसके पीछे वजह रही है, आखिर उनकी मंशा क्या है। हनुमान जयंती में यह जमकर हंगामा हुआ, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा में आखिर चूक कहां हुई है। तो पुलिस ने दंगों को लेकर पूरी दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई, संवेदनशील जगहों पर पुलिस ने नागरिक सुरक्षा बैठक भी बुलाई है और विशेष पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में है, हम शांति समितियों से लगातार बातचीत कर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी से शांति बनाए रखने की भी बार बार अपील की जा रही है। यहाँ का सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है, जो छोटा झगड़ा हुआ था वो कंटेन कर लिया गया है। जो जहांगीरपुरी के नागरिक हैं उनसे हम गली गली जाकर, घर घर जाकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमन चैन शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। पुलिस एडिक्वेट संख्या में हम सब यहाँ मौजूद हैं,
और सिचुएशन को किसी भी तरह का कोई भी अगर असामाजिक तत्व ये चाहे कि हम सिचुएशन को गड़बड़ कर दें या अफवाह फैला दें, उसको हम कंटेन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था और जरा सा कोई शक सुबह भी खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। और लोगों से अपील है, और आपके चैनल के जरिए से भी हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों से, कि किसी भी तरह के अफवाह पे विश्वास न करें। यहाँ पर अमन, चैन, शांति व्यवस्था मुकम्मल तरीके से बरकरार है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और कोई ग्रुप या कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाएगा। और हम लोग जो कम्युनिटी है उससे इस कम्युनिकेशन में है, पीस कमेटी, अमन कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत चल रही है, और हम लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को में ये विश्वास पैदा कर रहे हैं कि अमन, चैन, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, और पुलिस यहाँ मौजूद है और आपकी सुरक्षा मुकम्मल है। और वहीं जहांगीरपुरी में हुए बवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। और वहीं जहांगीरपुरी उपद्रव पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बयान भी सामने आया। मनोज तिवारी ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर पथराव को साजिश करार दिया है, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है, उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है, मिल करके ऐसी घटनाओं में दोषी को सजा दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। सर, सद्भाव बनाए रखिए, स्थिति नियंत्रण में है, और जो दोषी होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दिल्ली में यह हिंसा कैसे शुरू हुई है। यह ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। एक ग्राफिक्स आपके सामने है, दिल्ली में हनुमान जयंती पर यह जमकर हंगामा हुआ। आज हनुमान जयंती है और दिल्ली के जहांगीरपुर में ये शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी उस वक्त जमकर यह पथराव होता है। शोभा यात्रा में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ होने लग जाती है। अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कुशल सिनेमा के पास ये पूरी घटना घटती है। जब तक कुछ समझ में आता है उससे पहले पहले ईंटों से, पत्थर से हमला शुरू हो जाता है। दंगों को लेकर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है। जहां पर इस तरह की संवेदनशील स्थिति बनी हुई है वहां पर पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है।